बना रहे हो? सिवैया, सिवैया, सैया। फिर से आपका मीठा खाने का मन था ना, तो मैं आपके लिए सिवैया बना रही हूँ। सिवैया। हेलो बोलो पहले सबको। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अब एकदम बढ़िया हूँ, ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। नहीं, मैं आज बीमार हो गई थी, मैं टांगों में दर्द हो रही थी, क्योंकि कल मैं बारिश में भीग गई थी। वैसे तो मेरे पास अम्ब्रेला भी था जब मैं ऑफिस से आ रही थी, पर बारिश इतनी जोर से हो रही थी शुक्र है कि मैं भीग गई। और शाम को आके मेरी टांगों में इतनी दर्द हो रही थी, मेरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था। फिर एक मेरी फ्रेंड है दीक्षु करके, उसने मेरी टांगों में घी लगाया, मालिश करी, थोड़ा फर्क पड़ा। आज मुझे फिर से दर्द हुई, मैंने पेन की दर खाई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सारा काम कर रही हूँ आज खुद। सो आपको पता तो लग ही गया होगा कि मैं मनु दीदी के पास आ चुकी हूँ और मनु दीदी मेरे लिए बना रहे हैं सेवियां। और मेरी भाभी मेरे लिए लाई है ये सब्जियाँ जो मैं नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि मेरे रूम में कुछ ऐसे आलसी लोग हैं जो खाना ही नहीं बनाते हैं, मुझे खुद सारा काम करना पड़ता है। तो मैं लेके तो सब कुछ आ गई हूँ, खाना ना खाने की मर्जी। तो पहला बड़ा अच्छा लाए हो आप, इसको भी दिखा दो जरा। मम्मी ने वापस मंगाया है, मम्मी ने थैला। ये हमारी क्यूटी पाई है, प्लीज अगर किसी को बात करनी हो तो इसको फॉलो करें इंस्टाग्राम पे। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। उफ, मतलब घर पे भी बोर और लिटरली यहाँ पे भी बोर। तो मेरा कुछ काम था वो हो चुका है और अब अभी पहुंची हूँ जस्ट रूम और आई एम टोटली टायर्ड। और अब अकेली हूँ रूम पे, तो सोचा कुछ वीडियो बनाऊँ, पर क्या बनाऊँ समझ ही नहीं आ रहा। और यहाँ का मौसम इतना औसम है ना, मौसम इतना औसम, तो इतना प्यारा सा लग रहा है। घर पे भी मतलब नॉर्मल है, घर पे भी मौसम वैसे ही अच्छा है, पर यहाँ पे भी बहुत प्यारा सा मौसम है, ऐसे ठंडा ठंडा। और आप यकीन नहीं करोगे, रजाई लेके सोते हैं यहाँ पे, और घर पे भी मैं तो रजाई लेके सो रही थी। तो कल का परसों मैं दीदी के पास आ गई थी और मेरे थोड़े बहुत काम थे वो निपटाए, और एक मतलब थे कुछ काम तो वो ऑलमोस्ट हो चुके हैं ख़त्म। अब जाऊंगी मैं घर, बट आज नहीं जाऊंगी, आज रेस्ट करेंगे, इंजॉय करेंगे। और मैं आपको यहाँ का वेदर दिखाती हूँ, मतलब लिटरली ऑसम होता है। जस्ट चेक द व्यू, कितना प्यारा लग रहा है। और मौसम इतना ठंडा है ना, धुंध धुंध पड़ रखी है चारों साइड, और इतनी अच्छी अच्छी मौसम है यहाँ पे। तो यहाँ का वेदर कुछ ऐसा है, बहुत प्यारा सा, ठंडा ठंडा बिल्कुल मज़े से। और मैंने सोचा एक छोटा सा लिटिल अपडेट दे दूँ आप लोगों को भी। तो फिर मैं एक दो दिन में मैंने कुछ और भी जाना है कहीं, शायद मैं उन चीज़ों की वीडियो ना बनाऊं, क्योंकि कुछ चीज़ें पर्सनल भी रहनी चाहिए लाइफ में। तो बाकी जो अपडेट जो तो हो रहेगा, कहाँ गई कैसे गई, वो तो आपको मिलता रहेगा। सो अभी तो सो जाती हूँ क्योंकि रूम पे भी कोई नहीं है। वैसे आएंगे फ्रेंड्स ना थोड़ी देर में, तो उनको बुलाया तो था मैंने, अब देखते हैं आते हैं नहीं। तब तक के लिए सो जाते हैं, बाय बाय। देखते हैं, यहाँ आ गए मंकी, कहाँ गया? अंदर ही आ गया था इधर विंडो से, कहाँ गया? अब आएगा थोड़ी देर में, तो आपको दिखाती हूँ। ऐसे ये वाला कर्टन यूं लगाए, इसको हटाए ऐसे, सो गाइस दीदी तो आए, पर आते ही देखो सो गई ये भी। अब मैं पूरा दिन सो के और फिर से अब बोल रहे कि सो जाते थोड़ी देर में उठेंगे, फिर जाएंगे घूमने। सो जाओ, सोते रह रहे हैं क्या? गुड नाइट दोस्तों। मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं? सुन पा रहे हैं आप? देख रही हो मुझे? तो आज मैं बनाने जा रही हूँ
करेले, यू नो कड़वे करेले, सुन पा रहे हैं आप मुझे? अभी आप देखेंगे कि मैं उनको कैसे कैसे काटती हूँ, कैसे कैसे तड़का मारती हूँ, देन कैसे कैसे उनको खाती हूँ, एंड फिर चपाती बनाएगी हमारी सुष्मिता से। सच में कड़वा करेला नहीं खाना है? सच में हमने कड़वा करेला नहीं बनाना है, सच में बनाना है हमें आज कड़वा करेला। सो मनु दीदी आज मुझे खिलाने वाले हैं कड़वा करेला, तो मैं बनाने वाली हूँ आज कड़वा करेला। और इस लड़की ने नमक गिरा दिया बेड पे, तो लेटे हो किसने बोले, इतना फुदकने को किसने बोला आपको? So guys, ये ऐसे ही लड़ते रहते हैं, बदतमीज हो गई है ये लड़की। तो ये लोग ऐसे ही लड़ते रहते हैं। कल रात को इस लड़की ने मुझे बहुत पीटा, इतना पीटा कि एक घंटे तक मेरी दर्द नहीं गई बाजू की, अभी तक मेरी बाजू लाल है, फ्रैक्चर कर दी इसने मेरी बाजू, इतना जोर है इस लड़की को, सब खा लेती है ये, भैंसे भूसे गधे घोड़े। तो जिनके बारे में बात हो रही है ये है हमारे दीक्षा जी, हमारी सुष्मिता, ये मेरे सेम नाम वाले दो, मेरा कालू है, ये मेरा कालू है ना, तुम्हारा है ना, तुम्हारा कालू, ये कालू, कलुआ बेटा उठो काम करो, दासी उठो, तुम्हारी महारानी बोल रही है काम करो। So guys, अब खाना बनाने, हमने सारे करेले क्रूले सब कुछ हमने खा, ये देखो खीरू, ये खीरे नहीं है, खीरू है, खीरू नहीं, इतने टेस्टी है अंदर से, क्यूट है ये, कितने क्यूट है ना छोटे छोटे। आपने मेरे को ऐसे बोर करना है? यस, ये देखो कल घर जा रही हूँ, लॉक लगा दूंगी बाहर से, बिल्डिंग में कोई भी नहीं होता है पूरा दिन, खोल खुलवा भी नहीं पाओगे दरवाजा किसी से, डोर बंद, बिल्कुल बंद, डोर क्लोज्ड। यस, फिर आऊंगी मैं 6 बजे ऑफिस से, तब खोलूंगी, बंद करके चल जाऊंगी, तुम्हें बबुआ देख लेना, तुम अभी हमारा गुस्सा देख नहीं पावत हो। सो गाइस, मुझे डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, घर पे नहीं जाने देते मुझे, मेरे घर जाना है, मुझे मेरे घर जाना है, बहुत जल्द मैं चली जाऊंगी, कल चली जाऊंगी, कल, टड़ा बाय। सो गाइज, आज के व्लॉग का एंड करते हैं यहीं, व्लॉग तो कुछ था नहीं, बस जो भी थोड़ा बहुत हुआ रूम में वही, टाटा बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, प्लीज दोस्तों, प्लीज ना, अच्छे से देखा करो व्लॉग, तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें, बहुत सारे शेयर करें, टाटा बाय बाय, गुड नाइट।